बीच बड़ी और अहम खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर 201 तक पहुंच गई है। तो लगातार स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है, बरपता जा रहा है लोगों पर, देश में लगातार हलचल मचाता जा रहा है, लोगों में दहशत देखी जा रही है। और आपको बता दें देहरादून में इस वक्त स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़कर, यानी कि जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 201 तक पहुंच गई है, जिनमें 35 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर इन मरीजों को पॉजिटिव करार दिया गया है, जबकि 121 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 45 मरीजों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो ये पूरा एक विश्लेषण था स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट्स का, जो कि जिले में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 201 तक पहुंच गई है। आपको बता दें वहीं 35 मरीज जो हैं वो स्वाइन फ्लू में पॉजिटिव पाए गए हैं, 121 मरीज नेगेटिव रिपोर्ट आई है इन मरीजों की, और जो 45 मरीज हैं उनकी रिपोर्ट आना भी बची हुई है। तो लगातार स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में खौफ देखा जा रहा है, दहशत देखी जा रही है, इस रोग को बढ़ते हुए देखते हुए लोग लगातार इस रोग से डर में है, अचंभे में है। और चूंकि स्वाइन फ्लू एक ऐसा रोग है जिसके बारे में लोगों में ज्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी के प्रति अभाव है, जगह जगह इलाज का भी अभाव देखा जा रहा है, दवाइयों का भी अभाव देखा जा रहा है, जिस वजह से लोगों में काफी आक्रोश भी है और काफी डर भी है। और आपको बता दें इसी श्रृंखला में देहरादून में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की संख्या 201 तक पहुंच गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, देहरादून में इस वक्त स्वाइन फ्लू की क्या पोजीशन है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से पूरे देश में स्वाइन फ्लू के चपेट में बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, उत्तराखंड भी उसकी चपेट में है, और जिस तरह के आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि स्वाइन फ्लू के मामले 250 से ऊपर पार कर गए हैं। और जहां तक मरीजों के इलाज की बात है, वो दवाइयां उपलब्ध नहीं है, कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर दवाइयां नहीं है, जो सैंपलिंग के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, सैंपलिंग की सुविधा यहां पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वायरल लगातार यहां पर फैल रहा है, स्वाइन फ्लू की जो संख्या है वो उसमें इजाफा हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि वो बेहतर इलाज के लिए तैयार है और यहाँ पर दवाइयों की सुविधा है, लेकिन जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि जो मरीजों को जो दवाइयाँ दी जानी चाहिए वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और जो सैंपलिंग है, क्योंकि देखिए सैंपलिंग के लिए यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, उसमें एक हफ्ते का वक्त लग रहा है। बिल्कुल विक्रम, जहाँ तक सैंपल्स की बात है, रिपोर्ट आने में भी एक टाइम लग जाता है, जब यहाँ से सैंपल्स भेजे जाते हैं वहाँ से टाइम लग जाता है, तब तक देर में दवा शुरू हो पाती है। क्या कुछ कहना है इस मामले में चिकित्सा विभाग का? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा कारण है वायरल लगातार फैलने का, क्योंकि वायरल अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो रहा है उसको अगर तुरंत पता चल जाता है तो उसको रोका जा सकता है, अगर उसको देर में पता लगता है, एक हफ्ते में पता लगता है, तो वो वायरल उनसे किसी और को, दूसरे को, तीसरे को इस तरह से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो सिर्फ जो रिपोर्ट आने में जो टाइम लग रहा है उसको उसका हवाला दे रहा है कि हम इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो लक्षण है, लक्षण के हिसाब से हम मरीजों को जो है एक अलग से उन्होंने वार्ड बना रखा है, हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो देरी हो रही है, जो रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, वो एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि जो वायरल है वो तेजी से फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। विक्रम, यहीं पर अगर संदिग्ध मरीजों की संख्या की बात की जाए, 201 तक पहुंच चुकी है, इनमें कुछ की पुष्टि होना अभी बाकी है, जबकि कुछ की हो चुकी है। विक्रम, अगर हम बात करें चिकित्सा विभाग की, तो क्या कुछ जो गाइडलाइंस होती है, सावधानियां और ये सारी चीजें, या एक स्पेशल अलग वार्ड, ये सारी चीजें क्या प्रशासन ने विधिवत रूप से वहां जानकारी उपलब्ध कराई है? देखिए जहां तक अगर इस जानकारी की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो निकम्मा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वायरल फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो आम लोगों में को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए थी उस तरह की जागरूकता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो वायरल के लक्षण है, वायरल के लक्षण से ही आदमी को पता लग जाता है, या किसी को होता है तो दूसरा उसको बता देता है कि देखिए आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है, तो जो जागरूकता है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं फैलाई जा रही है। और जिस तरह का एक लचर रवैया रहता है, स्वास्थ्य विभाग का लचर एक काम करने का तरीका होता है, उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरह से और भी चीजें, चाहे पोलियो हो या और भी चीजें हो, जो बढ़ चढ़ के स्वास्थ्य विभाग उसमें प्रचार प्रसार करता है, लेकिन इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो निकम्मा नजर आ रहा है। बिल्कुल विक्रम, लोगों को बिल्कुल कहीं ना कहीं संदेह के आधार पर लोग दवा कर रहे हैं और इलाज के अभाव में। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम।